गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 11 मई, सुबह के बज रहे हैं 10 और भाई देहरादून में तो चमचमाती धूप निकली हुई है, बिल्कुल क्लियर मौसम है। अगर ऐसा ही रहा तो भाई शाम को सनसेट बहुत गजब होने वाला है। चलो थोड़ी देर साइकिलिंग करते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, दाल रोटी। ये ब्रेकफास्ट हो गया है, अब चलते हैं बंसल जी के शोरूम पे। बंसल जी नए शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं, हैवेल्स का। फिलिप्स लाइटिंग तो उनके पास ऑलरेडी पहले ही है जैसा कि मैंने दिखाया था, तो आज 11 मई को उनके शोरूम की ओपनिंग थी। बस चलता हूँ अभी से, भाई तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। उनका जो बड़े वाला लड़का है वो थोड़ा सा बीमार हो गया था, स्कूल से फोन आया था, तो शायद उसको लेके आएंगे फिर आएंगे। तो मैं तो अभी चलता हूँ अपने आप स्कूटी से। सो गाइस, चार धाम की यात्रा फुल स्विंग पे है। घर के पास ही है, देहरादून का हेलीपैड है, बैकग्राउंड में पूरा मसूरी, और देखो कितनी टूरिस्ट की कार आई हुई है। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई गंगोत्री यमुनोत्री जा रहा है। यहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव है चार धाम करना, क्योंकि मान लो यहाँ से एक हेलीकॉप्टर का किराया 60,000 रुपये एक धाम का, शायद एक धाम का पैकेज देते हैं या दो धाम का देते हैं कम्बाइन। और जो लग्जरी हेलीकॉप्टर है उनका जो रेंट है वो भाई वो तो दो दो ढाई ढाई लाख रुपये है। इसमें भी दो तरह के हैं, लग्जरी वाला भी है और एक इकोनॉमिकल भी है। तो सुबह का समय है, 11 बज रहे हैं, इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, तो बहुत तेज़ी से जो पिछले जो मौसम ख़राब था कुछ दिनों से जो रुके हुए टूरिस्ट थे वो भी आ गए हैं। पूरा ये पार्किंग भी फुल है, उस तरफ भी बहुत फैमिली खड़ी है, देखो उस तरफ भी कुछ फैमिली खड़ी है। जो मतलब जो टूरिस्ट होते हैं ना उनकी कार वहीं पर पहुँच जाती है हेलीकॉप्टर के पास, कुछ VIP की, तो वहीं से वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और यहाँ से उड़ जाता है। और यहाँ से ना वैसे बद्रीनाथ देखो केदारनाथ जाने में लगता है पूरा एक दिन, सुबह से शाम लग जाती है अगर बहुत तेज़ी से जाओ। और हेलीकॉप्टर से पहुँच जाते हैं शायद 25 मिनट में 30 मिनट में, सीधा इन पहाड़ों के पीछे ही ग्लेशियर दिखते हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, तो सीधे में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आपको कभी मौका मिले तो भाई हेलीकॉप्टर राइड को एंजॉय करिए, देहरादून टू केदारनाथ, सीधा केदारनाथ टेम्पल पे पहुँचोगे, कहीं नहीं रुकना, कहीं नहीं जाना। और इन्हीं की तरफ से रुकना खाना होता है, इन्हीं की तरफ से होटल्स बुकिंग होती है। मान लो आपको चार धाम करनी है तो दो धाम तो ये शायद एक दिन में करा देंगे, फिर आपको स्टे करना पड़ेगा किसी होटल में, अगले दिन फिर ये बाकी के धाम करा देते हैं। वैसे धाम का जो प्रोसेस होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले जाते हैं यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ जी। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और यही मान्यता है कि सबसे पहले दर्शन करने होते हैं यमुनोत्री के, फिर उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, लेफ्ट टू राइट चलते हैं ये। और वो ये हेलीकॉप्टर वाले करते हैं चार धाम में। काफी एक्सपेंसिव पड़ता है भाई, नंबर भी नहीं आता, मतलब ये पूरा बुकिंग रहती है दो दो महीने तक। तीन चार कंपनी प्राइवेट कंपनी है जो इसको ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, बराबर में जितने भी फ्लैट वगैरह सब इन्होंने ले रखे हैं अपने टूरिस्ट के लिए, क्लाइंट के लिए और पायलट के लिए। तो अभी एक्टिव रहेगी पूरी जब तक ये चार धाम चलेंगे, उसके बाद फिर ये सब सामान सिमेट के चले जाते हैं। फिर ये यहाँ पे एक दो ही हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं, अभी तो बहुत सारे आ गए हैं। ये इनकी डिटेल है, आप वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। इससे ना काफी फ्रॉड भी हो रहा है, बहुत प्राइवेट एजेंसी है जो फ्रॉड कर रही है टूरिस्ट से ना, ऑनलाइन पैसा मंगा ले रहे हैं 1-2 लाख, लेकिन वेबसाइट बना के, और लेकिन कोई उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, वो फेक भी है। काफी अरेस्ट भी हुए हैं, पुलिस में कंप्लेन बहुत हुई है, तो इसके नाम पे काफी धोखाधड़ी होती है, क्योंकि ये मिलते नहीं है ना टिकट इतनी आसानी से। चलान कट गया 500 रुपये का, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, इन्होंने काट दिया भाई चलान, क्योंकि अभी से एक भाई का फोन आ गया तो मैं फोन पे बात कर रहा था। तो पहुँच गया हूँ भाई चक्राता रोड, बंसल जी के न्यू शोरूम। बंसल जी उधर ही खड़े हैं। ये है भाई होम आर्ट लाइट बाय हैवेल्स के भाई शोरूम में। अच्छा तो अभी इतना सजा दिया आपने, पूजा वगैरह अभी होगी ना? लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो ये कुछ भी नहीं लगा था, जब तो खाली दुकान थी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो मालूम है ही,
अब देखो किस किस तरह की लाइटें लगा दी इन्होंने। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये वाला कॉर्नर है ना, पूरा लाइटिंग का एक्सपीरियंस लगेगा। ये रूम क्लोज हो जाएगा लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है शायद ये। पूजा शुरू हो गई है, वंश और उसके पापा उसकी मम्मी पूजा कर रहे हैं अभी। आज देहरादून में मेरा दूसरी बार चालान कटा इतने सालों में, 12-13 साल हो गए यहाँ पे। पहली बार जब चालान कटा था बुलेट से कटा था, तब मैं ना रेड लाइट पे घुमा रहा था भाई, मतलब लेफ्ट ले जाके फिर राइट ले जा रहा था, तो उन्होंने देख लिया तो कट गया 100 रुपये का, ज्यादा का नहीं कटा था। और लेकिन एक बार मेरी बंसल जी के शोरूम के सामने कार खड़ी थी सड़क पे, तो वो उठा के ले गए थे, उसमें 900 रुपये में छुटा था, आज 500 रुपये का कट गया। वैसे चालान मेरा ज्यादा का बन रहा था, उन्होंने बोला फोन हाथ में पकड़ा हुआ था आपने, इसका 2000 रुपये कटेगा। सज्जन थे वो, उन्होंने कहा आप भी सज्जन लग रहे हैं तो आपका सिर्फ 500 रुपये में दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज देहरादून में बहुत तेज़ धूप निकल रही है और अगर ऐसी निकली रही ना तो गर्मी हो जाएगी। और ये यहाँ की फेमस चक्राता रोड, यहाँ पे दो ही रोड फेमस है, एक तो राजपुर रोड जो मैंने आज पूरी दिखाई है आपको जहाँ से मैं आया हूँ, और ये है चक्राता रोड। ये उधर क्लॉक टावर जा रही है, राइट साइड में जा रही है, शिमला चक्राता चंडीगढ़ सब इधर से जा रहे हैं, पूरा हिमाचल इसी से कनेक्ट होता है। ओ तेरी भिड़ गए भाई भिड़ गए। ये लड़का रॉन्ग साइड जा रहा था, उसने उसको ठोक दिया। अब इनका फैसला होगा। अभिषेक भाई भी आ चुके हैं और भाभी जी भी आ गई हैं, इन दोनों का आना बहुत जरूरी था। अकेले मैंने बोला था अकेले मत आना। तो भाई मिलो वंश से, वंश भी मिल गया यहाँ पे। तो अभी ये न्यू शोरूम थोड़ा सा खाली हो गया है क्योंकि सब लोग फिलिप्स के शोरूम में चले गए जितने भी गेस्ट आए हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ये शोरूम आपको दिखा दूँ कम्प्लीटली। भाई इस तरह से इन्होंने इसका नाम रखा है होम आर्ट लाइट, इस तरह से काफ़ी सारी लाइटें हैं यहाँ पे। अगर आप देहरादून में और आपको कुछ लाइटें वगैरह चाहिए तो एक बार बंसल जी के शोरूम पे आ सकते हैं। भाई मेरा भी रेफरेंस दे देना कि सुभाष चौधरी ब्लॉग्स के थ्रू हम यहाँ पे आए थे, तो हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, बंसल जी कुछ डिस्काउंट दे दें क्योंकि मैं उन्हीं का फ्रेंड हूँ। देखो जैसे ये वाली झालर है, इसका मैं प्राइस बताता हूँ कितना है। वैसे तो मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपये लिखा हुआ है लेकिन 15% डिस्काउंट पे ये 85,000 में पड़ेगी। ये किस लिए? जब रिबन कटेगा उसके लिए नहीं। ये वाली झालर दिखाता हूँ कितने की है, इसका प्राइस 83,000 है, 15% डिस्काउंट है सब पे अभी। यहाँ पर 3 झालर हो रहे हैं, सबके प्राइस बता देता हूँ, इसका भी प्राइस बता देता हूँ ताकि पता होना चाहिए ना कितने की मिलती है। 75,000 15% डिस्काउंट। ये वाली 69,000 15% डिस्काउंट। ये वाली 83,000 15% डिस्काउंट। तो भाई इतने की आती हैं झालर, हैवल्स ब्रांड की झालर हैं सारी। हैवल्स के इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, इवन एशिया के साथ प्रेसिडेंट है, वो आए हुए हैं पराग भटनागर जी। तो ठीक 2 बज गए भाई, अब लंच टाइम है और भाई देखो पूरी प्लेट भर चुकी है, कहीं भी जगह नहीं है। तो मैं नहीं आ रहा सलाद को कहाँ रखूँ, पूरी को कहाँ रखूँ, 3 तरह की सब्जी बनी हुई है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ना ये फोटो खिंचवाने के लिए ये वाली जगह, तो अभी से भाई का फोटो खींचता हूँ। अभी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ बैठे हूँ खेत में। अरे थोड़ा सा कैमरे से एलर्जी है इनको, तो जैकी दादा को कैमरे से एलर्जी है लेकिन हम जाने नहीं देंगे। तो सैनी भाई भी आ चुके हैं जिनके मोबाइल स्टोर है, और बंसल जी जो हल्दू वहाँ गए थे मुंडिया पानी फॉरेस्ट टेस्ट हाउस उस टीम से आएंगे। तो इसकी ना कुछ लाइटें हैं जो अलग अलग तरह से जलती है, इसमें बटन दबाना पड़ेगा। मॉर्निंग वाली है ये, अब ये मॉर्निंग हो गई है। अब देखो यहाँ पे ना नून वाली है, अब मैं नून दबाऊंगा, नून हो जाएगा, ये नून हो गया है। और अब मैं दबाऊंगा क्लाउडी, क्लाउडी हो जाएगा। ये देखो क्लाउडी, ये पूरा क्लाउडी हो गया है। अब इवनिंग दबाऊंगा मैं इवनिंग, ये पूरी इवनिंग हो गई है। और अब मॉर्निंग, ये देखो किस तरह से अलग अलग, और इसकी ना ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे। चलो भाई ये प्रोग्राम तो हो गया है, अब वापस घर पे चलते हैं। 3:30 बज रहे हैं भाई, बहुत तेज़ धूप है, राजपुर रोड पे हूँ। और ये वाला जो एरिया है जंक्शन बोलते हैं इसे, बहुत प्यारा एरिया है, बहुत प्यारा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ देहरादून। गर्मी बहुत हो रही है, प्यासा मर गया मैं तो। जितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी उतनी ज़्यादा सेल होती होगी इसकी।
जिस दिन बारिश हो जाती होगी ठंडा मौसम उस दिन कम। सो गाइस बैक टू होम, और ये लड्डू ना खाटू श्याम जी से लाए हैं। बंसल भाई हम हर साल जाते हैं, ये हर साल लाते हैं, हर साल के 6 महीने में जाते होंगे। बहुत गजब लड्डू है भाई, ये खा के मजा आ जाता है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं तो अभी से एक भाई और जैकी दादा के साथ आ गया था सस्ताधारा वाले पहाड़ पे। सस्ताधारा के पास ही है ये जगह और यहाँ पे इन्होंने कुछ प्लॉटिंग ली हुई है, तो थोड़ा सा शाम को यहीं पे घूमने आ गए थे। दिखाता हूँ ये वाला एरिया। ये रही अभिषेक भाई की कार और ये ऐसे रोड ऊपर जा रही है जंगल में। बहुत प्यारा पहाड़ है ये, कितने अच्छे पेड़ हैं और यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है। अभी हम हाई बैंक पे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल और घर बने हुए हैं। वो सामने ब्रिज है ऐसे, वो सामने ब्रिज है और इधर पार्किंग बनाई हुई है और यहाँ पे भी कुछ प्लॉटिंग हो रही है। पूरा पूछता क्या कर रहे हैं ये लोग, खड़े हैं अभिषेक भाई जैकी दादा, पूछते हैं इनपे इनसे कि कौन सा प्लॉट है। जमीन में उतरने के लिए उस तरफ से रास्ता आ रहा है। इस रोड से मैं पहले भी आ चुका हूँ, एक बार मैं बंस के साथ मॉर्निंग में साइकिल करते हुए इस रोड से हमने पूरी साइकिलिंग की थी और यहाँ पे मैं काफ़ी स्मेल सी आ रही थी क्योंकि शायद उधर लेपर्ड ने एक गाय को मारा हुआ था। कौन से वाला है, कौन सा लिया है? अच्छा ये कितना बड़ा है? 600 गज का, वैसे है 3000 गज है। 600 तो ये इसमें लगा हुआ है ना, यहाँ से भी जा सकता है। और रास्ता कहाँ से आगे से? ये वाला रास्ता उधर से निकल रहा है ना अपनी फैक्ट्री। अच्छा देखो आवाज आ रही है, कोई क्या चीज़ है ये? वो है बार्किंग डियर या वो काकड़, ये देखो है ना। चलो मैं सुनाता हूँ भाई थोड़ा सा आगे जाके। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आवाज़ सुन के आता हूँ किस जंगली जानवर की आ रही है। छोटू कहाँ रहता है? यहीं आगे। ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? ये होगा कोई जानवर। जानवर आते हैं ना यहाँ पे? हाँ। हिरन होगा ना? हाँ हाँ वही है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता पैदल पैदल। मैं जैसे जैसे उस आवाज़ के पीछे कर रहा हूँ तो वो आवाज़ और आगे जा रही है, वो उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम उसी रास्ते पे थोड़ा सा और आगे आए हैं। ये देखो रोप पे जो सस्ताधारा वाला है ऊपर जा रहा है टॉप पे, और ये पूरा सस्ताधारा ऐसे आ रही है रिवर। उधर वाटर पार्क है, भी दिखाता हूँ रोप के पूरा डिटेल में। ये देखो पूरा सस्ताधारा, हाँ वो पूरा स्टेप में पानी आ रहा है ना, ये पूरी रिवर आ रही है, बराबर में दुकानें हैं। और यही रास्ता पता मसूरी भी जा रहा है ये वाला भी इधर से। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलो कुछ फोटोग्राफी हो जाए। थोड़ा सा और आगे आ गए और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो ऐसा व्यू आ रहा है बिल्कुल। तब सस्ताधारा जो का जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है वो तो पीछे की तरफ रह गया है, उससे हवा ये जो व्यू आ रहा है 1-1.5 किलोमीटर आगे का व्यू आ रहा है। इधर भी कुछ रिजोर्ट है और स्विमिंग पूल है। वो रहा वो शायद ईस्ट रिजोर्ट है जो सामने दिख रहा है, जो मझेरा रिजोर्ट है ना जिसमें मैं पहले भी गया हूँ, वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर और आगे उस तरफ। और ये वाला रास्ता ना धोबी घाट निकल रहा है लैंडोर की तरफ, मसूरी निकल रहा है ये वाला रास्ता। जो लोकल हैं जो एक्सपर्ट हैं वो तो मारुति कार ले जा सकते हैं, वरना बाइक और स्कूटी तो चली जाएगी, वो भी बहुत मुश्किल से। बीच में बहुत खतरनाक खतरनाक रास्ते आते हैं, इससे मैं तो गया हूँ तुषार के साथ एक बार। और ये जिस रोड पे है ये हम सस्ताधारा में जो मेन रिवर है उसके राइट साइड में है, और ये भी सुआखोली निकल रहा है और बोथा विलेज भी जा रहा है ये वाला रास्ता। देखो दोस्तों एक बहुत प्यारा घर दिखाता हूँ वहाँ पे जो बना हुआ है, वो देखो बिल्कुल अकेले में घर बना हुआ है, बहुत प्यारा कॉटेज है, गार्डन भी है, झूला भी बनाया हुआ है। और उस तरफ बिल्कुल मतलब इसके आसपास कोई घर नहीं है, पूरा जंगल फॉरेस्ट लैंड है। तो इस तरह के घर काफ़ी लोगों को चाहिए भाई, ये ड्रीम होम है। ठीक उसके उस घर के बराबर में रिवर है और इस तरफ पूरा एग्रीकल्चर लैंड है इन गांव वालों का। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला पोर्शन, सुपर। इस पहाड़ पे हम आए हुए ना, यहाँ पे बस सनसेट का मजा नहीं है क्योंकि इस पहाड़ के पीछे सूरज चला जाता है। तो अब हम दूसरे द्वारा वाले पहाड़ पे चलते हैं। बस अभी हम यहीं बैठे खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ महसूस कर रहे हैं। और ये देखो देखो धूप आ रही है ना उन पहाड़ों पर, ऊपर धूप आ रही है, यहाँ पे धूप नहीं आ पा रही। तो हम दूसरे पहाड़ पे चलते हैं द्वारा पे। अभी हम द्वारा वाले पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ पे कल पैराग्लाइडिंग हो रही थी ना, उस वाले पहाड़ पे। तो पहुंच गए द्वारा के सनसेट पॉइंट पे और सामने मालदेवता के कुछ रिजॉर्ट दिख रहे हैं। देखो ये सब रिजॉर्ट हैं यहाँ पे। मस्त है ना? और भैया ठीक हो? ये रैनी सेरा है ना सामने, रैनी वाला तो हाँ वही तो है। यहाँ से देखो ये पूरा स्थल है ये वाला। अभी हम थे इस पहाड़ के काफ़ी उस तरफ सस्ताधारा पे, वहाँ पे सनराइज़ नहीं पहुँच पा रही थी। सनसेट के लिए वो बेस्ट नहीं है ना, सनराइज़ के लिए बेस्ट है ये वाली जगह। सनसेट के लिए बेस्ट है, सनराइज़ के लिए बेस्ट नहीं, क्योंकि सनराइज़ इस तरफ से होता है।
तो हर एक पहाड़ की अपनी खास बात होती है, कहीं से सनसेट होता है, कहीं से सनराइज़ होता है। अभी हम इस तरह से ऐसे आए हैं और इस तरफ से ऐसे करके, काफ़ी अच्छा पहाड़ है ये भी। और ये पूरा फॉरेस्ट है इधर, मतलब ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है, उस तरफ रिवर जा रही है मालदेवता वाली। और मैं जब भी साइकिलिंग करता हूँ तो ऐसे ही आता हूँ उस तरफ से, स्थल से नीचे उतर के फिर ये रैनी वाला विलेज है उस तरफ से ऐसे निकल जाता हूँ। तो हमें यहीं पे एक वैन दिख गई थी तो हम यहीं रुक गए थे। और कितना प्यारा किचन बनाया हुआ भैया ने यहाँ पे। अभिषेक भाई ट्राई कर रहे हैं वेज स्टीम मोमो। केदारनाथ जी से भी हेलीकॉप्टर आ चुका है, ये अपने घर के पास ही सस्तारा हेलीपैड पर उतरेगा। वो देखो वो रहा हेलीपैड, 60-70 हज़ार रुपये पर एक आदमी की टिकट। जैसे जैसे सनसेट हो रहा है ना, बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। अभी आप देहरादून आए तो इस स्पॉट पे भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा गोल्डन इवनिंग देखने को मिल रही है आपको। तो जैसे ही आप इस रोड पे ऊपर चढ़ाई करेंगे द्वार वाले पे, तो 3-4 वैन है यहाँ पे, तो किसी पे भी रुक जाना और वहाँ से सब जगह से अच्छा व्यू आता है। जो लास्ट वाली वैन है वो वहाँ पे दिखाता हूँ उस कोने पे, वहाँ पे आपको बिल्कुल ही अच्छा व्यू चाहिए तो और भी वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद तो रोड लेफ्ट में चली जाती है, फिर व्यू नहीं आता। अभी मैं द्वारा वाले पहाड़ पे हूँ और यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। यहाँ पे फेमस टूरिस्ट स्पॉट इस तरफ मालदेवता है, काफ़ी सारे रिजॉर्ट हैं यहाँ पे। और ये रैनी वाला विलेज, जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो ऐसे ही आता हूँ स्थल से। और जहाँ पे मैं फ़िलहाल रहता हूँ वो इस पहाड़ के पीछे यहाँ पे, और यहाँ पे ही अपना प्लॉट है स्थल में, बिल्कुल सन के नीचे। सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, सुपर सनसेट स्पॉट है ये। बहुत सारे वैन है यहाँ पे, एक यहाँ पर है, एक नीचे है, एक वहाँ पर ऊपर। अगर आपको और भी अच्छा व्यू चाहिए तो और उस वाली वैन पे जा सकते हैं। और यही रास्ता आगे की तरफ चला जाता है, एयरपोर्ट थानों की तरफ भी चला जाता है, और नीचे उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। बस देखते ही देखते अंधेरा होने वाला है सामने, बस थोड़ी सी दूर में, देर में वो जो स्थल वाला पहाड़ है ना उसके पीछे सनसेट हो जाएगा। मज़ा आ गया भाई। अभिषेक भाई बैठे हुए हैं, जैकी दादा बैठे हुए हैं यहाँ पर, मज़ेदार जगह, खुद दिल खुश हो गया। मतलब इतना अच्छा वहाँ सस्ते धारा वाले पहाड़ों पे नहीं लग रहा था जितना यहाँ पे द्वारा वालों पे लग रहा है। भाई सन तो डिसअपीयर हो गया, पीछे चला गया पहाड़ के। वो तो रोज जाता है रोज ही जाता है, पर निकला रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है, दुख सा होता है जब पीछे चला जाता उसके अब देखो ना वो सुंदरता हल्की हल्की सी कम हो जाएगी। ज्यादा तो वो ही बेटर रहता था। जंगली मुर्गा दिखाई दिया है, जंगल फॉल डांस कर रहा है, रुक रुक के बार बार ये देखो। तो यहाँ पे बैठे बैठे 7:30 बज गए हैं, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यू। ये देखो पूरा लाइटिंग हो गई है ना पूरा, ये देखो 7:45 हो रहे हैं। और देखो वो जो हिल टॉप पे सबसे ऊंचा जो यहाँ का मैगी पॉइंट है ना, जिसको मैगी पॉइंट ही बोलते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग हो रही, लाइटिंग जल रही है। खाने पीने का पॉइंट, और ये देखो कितना बढ़िया एरिया, मस्त नज़र आ रहा है। और सामने एक तारा है बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, और कोई तारा नहीं चमक रहा, बिल्कुल नीला आसमान, हल्के हल्के से बादल फॉर्म होने शुरू हो गए हैं क्योंकि कल थोड़ा सा ओवरकास्ट दिखाया गया है। ये देखो मस्त चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। भाई यहाँ पे बैठे बैठे ना काफ़ी टाइम हो गया, बिल्कुल डार्क हो चुका है, आप देख लो क्या माहौल है। और भैया की वैन इन्होंने भी क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट, बस अब यहाँ से निकल रहे हैं उस तरफ, सामने ये मालदेवता है राइट साइड में। चलो अब चलते हैं यहाँ से। जाहिर रहते हैं। और लेफ्ट साइड में भाई ये पूरा स्थल है, और यहाँ पे ना नाइट जार की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत खुशी है कि स्थल में नाइट जार बोलती है। ये देखो
अभी कार की आवाज़ आ रही है, गाने चला रखे अभी सेख भाई ने, इसलिए शायद नाइट जार की आवाज़ सुनाई ना दे। वाह, नाइट जार की आवाज़ सुनकर बहुत सुकून मिलता है। तो ठीक है, अभी सेख भाई ने मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया आज तो बाहर घूमते घूमते। यहाँ पे माइलो मिला है, बाहर ही घूम रहा है आज तो। सो गाइस बैक टू होम, बस आज डिनर में ये चल रहा है, ये रस है और दूध है बस, और एडिटिंग चल रही है, जल्दी जल्दी एडिटिंग करता हूँ क्योंकि सुबह 8 बजे ब्लॉग आना है। आज का दिन यही था, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।